अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो आप में से काफ़ी लोगों के पास एक मैसेज आ रहा होगा गूगल एड्स लिमिट के बारे में। मैं जानता हूँ इसके ऊपर मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मेरे पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब मेरे पास कमेंट्स आए तो मुझे लगा इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा वीडियो देखने के लिए वेट कर रहे हैं। इस इंट्रो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं ओरली ज़्यादा बताऊंगा, प्रैक्टिकल लैपटॉप में दिखाने के लिए इतना कुछ खास नहीं है, दो पॉइंट्स है, पर उसको भी आप मिस मत करना। अगर आपने मेरे इस पोर्शन को स्किप कर दिया तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे। जब आप मुझसे कमेंट में कुछ पूछेंगे तो मैं फिर वही रिप्लाई दूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, तो इसलिए फ्रेंड्स ये पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैसेज आ क्यों रहा है। गूगल ने अपने एल्गोरिदम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं, इस चेंजेस की वजह से आपको ये एड लिमिट के मैसेज आ रहे हैं। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को रिलेटिव्स को ऐसा बोला है कि भाई मैं तेरे ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, तू मेरी ऐड के ऊपर क्लिक कर, या तू मेरी वेबसाइट में विजिट कर, मैं तेरी वेबसाइट में विजिट करता हूँ, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये करने से आपकी इनकम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप सब जानते हैं गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जो हम चीज़ सोचते नहीं है वो उसका सॉल्यूशन पहले ही निकाल लेता है, या फिर अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका तोड़ निकाल के उसके ऊपर कोई ना कोई एल्गोरिदम निकाल देता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। तो आप में से काफ़ी लोगों ने अगर इस तरह का कुछ करा है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें, या आप अपने किसी भी फ्रेंड फैमिली सर्कल किसी को भी मत बोले कि मेरी वेबसाइट पे विजिट कर और कुछ देर के बाद मेरी ऐड के ऊपर क्लिक कर, क्योंकि अभी आपके पास ये जो ऐड लिमिट का मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, इससे आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अभी डिसेबल बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी आपके पास एक मैसेज और आ रहा होगा इसी के अंदर, मतलब इसी ईमेल में, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा आ रहा होगा कि आपकी वेबसाइट को फिर से डीपली सर्च करा जाएगा, मतलब अभी आपकी वेबसाइट को देखा जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी गूगल एडसेंस की पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी ऐसा स्टेप दिखता है तो हो सकता है आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि हमने अपनी नई वेबसाइट बनाई है, इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल की इस पॉलिसी के अंदर कुछ बग्स हो सकते हैं, जैसे ही वो रिमूव हो जाएंगे तो 10 टू 15 डेज़ के अंदर, अगर आपने कुछ भी ऐसा गलत नहीं करा तो आपका ये मैसेज रिमूव हो जाएगा और आपकी वेबसाइट के अंदर एड्स आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। और एक पॉइंट का आपको और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी ऐसी पोस्ट लिखी है जिसमें आपने ये लिखा है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री में कहाँ से मिलता है, या इसकी सीरियल की क्या है, क्रैकिंग के ऊपर, हैकिंग के ऊपर अगर आपने कोई पोस्ट लिखी है, तो उस पोस्ट को या तो आप डिलीट कर दें या तो उसको बिल्कुल चेंज कर दें, जिससे कि उसके अंदर हैकिंग, क्रैकिंग, सीरियल नंबर, इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर इस तरह के वर्ड्स गूगल देखता है तो हो सकता है फ्रेंड्स आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट अब बंद हो जाए। अगर अभी भी आपके एडसेंस के अंदर एड्स लिमिट की ऑप्शन आ रही है और आपने इसमें से कुछ भी नहीं करा तो फ्रेंड्स वो कुछ टाइम के बाद अपने आप हट जाएगी, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी सोशल साइट से भी ट्रैफिक आ रहा है तो उससे भी ये प्रॉब्लम आएगी, तो फ्रेंड्स इसका प्रूफ तो मैं लैपटॉप पे आपको दिखाऊंगा कि सोशल साइट से, मतलब यूट्यूब फेसबुक से अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है, क्या उसे भी इनवैलिड क्लिक बोलते हैं, या उससे भी आपका गूगल एडसेंस के अकाउंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, एक मैं ये प्रूफ दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा कि आपने अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में जाके फीडबैक के अंदर आपने क्या चीज़ लिखनी है, जिससे आपका ये चीज़ जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाए। तो ये सब देखने के लिए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पर जो मैंने पॉइंट्स बोले उसको आप ज़रूर ध्यान से सुने फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने अपने किसी भी फ्रेंड फैमिली सर्कल में कहीं पे भी आपने ये नहीं बोलना कि मेरी वेबसाइट को विजिट करो, मेरी वेबसाइट पे क्लिक करो, या आप उसकी वेबसाइट में, वो आपकी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं या एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करें। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी वेबसाइट में क्रैकिंग, हैकिंग, सीरियल की, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काइन मास्टर ज़्यादातर चलता है, इससे रिलेटेड अगर आपने कोई पोस्ट लिखी है तो उसे जितना जल्दी हो सके हटा दे, अगर आपके पास गूगल एडसेंस का ये वाला मैसेज आया है। और थर्ड पॉइंट, क्या सोशल मीडिया से भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी इनवैलिड ट्रैफिक की, वो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। प्लस आपके पास अगर कुछ भी ऐसा नहीं है और आपका बिल्कुल ऑर्गेनिक ट्रैफिक है फिर भी ये चीज़ आ रही है, तो फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उन्हें एक ईमेल करना है। ईमेल में क्या लिखना है, कैसे करना है, मैं आपको वो बताऊंगा। पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक बात बोलूंगा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको सारी डिटेल्स बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी वर्डप्रेस या ब्लॉगर वेबसाइट में सोशल साइट से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो क्या वो इनवैलिड ट्रैफिक है या फिर उसके अंदर गूगल कोई पेनल्टी करता है। आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर टेक्नो वेदांत लिखा है, मैंने अपना गूगल एनालिटिक्स को ओपन करा है, यहाँ मैं रियल टाइम में जाऊँगा और यहाँ ट्रैफिक सोर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने पेज को नीचे करा और आप देखेंगे सोशल, मतलब यूट्यूब से मुझे 40% ट्रैफिक आ रहा है।
और डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे 60% लोग विजिट कर रहे हैं। नॉर्मली आप सब जानते होंगे, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इतनी पोस्ट नहीं लिखता, मेरा ज़्यादा फोकस YouTube में रहता है। तो उसके बावजूद भी जितना भी मेरा ट्रैफिक आता है वो YouTube से आता है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ मैं ऐसे बनाता हूँ उसमें मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। तो इस समय भी आप देखेंगे 40% ट्रैफिक मेरी वेबसाइट के अंदर सारा YouTube से आ रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सोशल साइट से अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आ रहा है तो इनवैलिड एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर आपका पूरा 100% आ रहा है तो मे बी गूगल को ऑब्जेक्शन हो सकती है, पर अगर आपका 50-60 मेरी फ्लक्चुएशन चलती रहती है तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि जो आपका सोशल अकाउंट से ट्रैफिक आता है वो आपका इनवैलिड ट्रैफिक होता है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। आपने मेरी वेबसाइट में जाना है technovedant.com और यहाँ पे मैंने ये पोस्ट लिखी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। वैसे इस पोस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं। यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है और यहाँ 15 सेकंड्स का टाइमर चलेगा। इतने में फ्रेंड्स आपको अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे साइट्स की ऑप्शन होती है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है सेंड फीडबैक, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही ये पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे सेंटर में आप देख रहे हैं ये स्क्वायर का साइन बना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने अपने इस पॉइंटर को बिल्कुल कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लेके जाना है और इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप करा, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे इसने मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे आपको अपना इशू लिखना है, मतलब जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी वेबसाइट में कोई इनवैलिड ट्रैफिक तो नहीं आ रहा पर फिर भी उनके पास ये ऐड लिमिट का मैसेज आ चुका है। आपने यहाँ से सारे कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड के अंदर इसको पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह से होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करके स्पेस देनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है वेबसाइट नेम, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है technovedant.com, मैंने इसको कॉपी करा और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। और लास्ट में यहाँ लिखा है नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वेदांत मल्होत्रा। उसके बाद यहाँ से आपने सारे टेक्स्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसे सेंड करेंगे। फ्रेंड्स ये एक कोशिश है, अगर इससे आपका काम बन गया तो इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं है। सेंड करने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास ईमेल आएगा और उस ईमेल के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी एड्स आपकी वेबसाइट में आने लगी है या फिर नहीं। हो सकता है 2-4 दिन ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि जब हम गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं वो 3 डेज़ कहते हैं, पर कहीं की बार 10-15 डेज लग जाते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि 24 से 48 आवर्स, पर चांसेस होते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास ईमेल आएगा। हर यूट्यूबर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और मैंने भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। ये करने से हो सकता है फ्रेंड्स जब आप अपना फीडबैक में जाके मेल करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट के अंदर एड्स आने लग जाए। इस चीज़ की गारंटी तो मैं क्या कोई भी नहीं ले सकता। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो पूरे पूरे चांसेस है फ्रेंड्स आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपकी वेबसाइट के अंदर गूगल एडसेंस की एड्स आनी भी स्टार्ट हो जाए। ये एक कोशिश है, मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा ये एक्सपीरियंस है। हो सकता है इसके बाद कोई और पॉलिसी निकल आए या हो सकता है इससे सॉल्यूशन निकल आए, तो इस चीज़ को आप ज़रूर करें। अगर आप परेशान हैं और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी फिर से मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।